वहाँ अलग है। जिस राष्ट्रों को कोई समझ और समझा सके उस ब्रह्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके हैं। है? मंदिर उनके हैं। मंदिर उनके हैं, ये इनके नहीं है। इनके माने किनके? ये मंदिर इनके नहीं है। इनके माने किनके? ब्रह्मा बाबा के नहीं है, वो गुप्त मम्मा के हैं जो अभी भी घूंघट में है। नहीं बाबा सुनो, इस गुप्त उनके हैं अर्थात उस मम्मा के हैं जो अंत में जाके प्रत्यक्ष हो जाती है। जब तीनों नदियां प्रत्यक्ष होती है, गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा तो और ही अंत में प्रत्यक्ष होती है। तो बाबा एक लाइन और है, इस बूढ़ी पर इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर पूरे ही है। वो तो पुरुष है, मम्मी कहाँ से हो जाएगी? अगर मम्मी हो गई होती तो ओम राधे को निमित्त क्यों बनाते? तो गुप्त बूढ़ी माँ ब्रह्मा बाबा हुए, तो ब्रह्मा बाबा को तो सब जानते हैं। बूढ़ी नहीं तो और नौजवान थी? नहीं नहीं, पर ब्रह्मा बाबा को तो सब जानते हैं। हाँ तो क्या ये गुप्त कहाँ बताई? नहीं गीता में उनके जो दूर कर दी वो गुप्त है। नहीं नहीं, लास्ट सेंटेंस वो पॉइंट में है, इस इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर पूरे ही है। मंदिर मंदिर यादगार जो है वो जगदम्बा के है, न बूढ़ी माता के है। जगदम्बा के? हाँ न, इसके इसके मंदिर नहीं है। जगदम्बा ही वास्तव में ब्रह्मा है। और जब स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ उससे पहले दुर्योधन आके बैठता है, तो उसको ये प्रश्न आता है कि दुर्योधन यहाँ आके कैसा बैठा? तो दुर्योधन तो पहला ही अपना शरीर छोड़ा है, तो वहाँ कैसा दिखा है स्वर्ग में? दुर्योधन ने लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में शरीर नहीं छोड़ा क्या? भाग खड़ा हुआ क्या? अरे युद्ध में जो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ेंगे, चाहे विरोधी पार्टी के हों और चाहे अवरोधी पार्टी के हों, अगर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो गलत चला गया। उसके पहले गया था युधिष्ठिर के पहले गया था। पहले बाद में जाने का मतलब नहीं है, मतलब है ऊंच पद पाने का। तो ऊंच पद धर्मराज का है या दुर्योधन का है? और आपको कैसे मालूम पहले चला गया? शरीर छोड़ने मात्र से हो जाता है, पहले स्वर्ग में चला गया। अरे पाप किए हैं उसकी पहले सजा भोगेगा या स्वर्ग में चला जाएगा? पहले सजा भोगेगा, तो सजा कौन देगा? तो धर्मराज के सामने तो पहले जाना पड़े। तो पहले धर्मराज स्वर्ग में होगा, धर्मराज पहले देवता बनता है या दुर्योधन पहले बनता है? राजधानी स्थापन कर रही है। हाँ? ये चैतन्य में नहीं होती है, चैतन्य में है। हाँ किस समय की ये वाणी है? ये वाणी किस समय की है? अभी आजकल की वाणी है या पहले की है? तो जिस समय ये वाणी बोली गई उस समय आधार मुहूर्त में माया जीवित थी, अभी भी बीज रूप में जीवित है। और
84 जन्म में जाती नहीं है। 84 जन्म में नहीं जाती है? नहीं जानती। उसके की आत्मा 84 जन्म में जानती नहीं है। जाती नहीं है? नहीं जानती नहीं है। रावण कौन है? ये जानती नहीं है तो, ये क्यों? वो खुद ही रावण है, बड़े से बड़ा धर्म गुरु देहदारी, जो खुद होता है वो अपने को जानता है क्या? दुनिया का बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन? बोलो। अरे जोर से बोलो, माइक मुंह में लगा के। हाँ, सीता का भगवान खुद समझा इसलिए। हाँ, सीता का भगवान मैं हूँ। हाँ, तो बड़े से बड़ा हिरण्यकश्यप कौन हुआ? वो ही हुआ जो अपन को भगवान कहता है। ये जो आपका गीत चला है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आकाश सिंहासन पे कौन जाके बैठ जाता है? जो भी गीत हैं, जो भी गायन हैं, वो संपूर्ण स्टेज के हैं या अधूरी स्टेज के हैं? तो संपूर्ण स्टेज पहले पहले किसकी बनती है जो आकाश सिंहासन में जाके घड़ी घड़ी बैठ जाता है? हाँ? अरे किसी की बनती है या नहीं बनती है? हाँ? अरे मुंह फैलाए दिया। हाँ? प्रजापिता की बनती है। तो जो शंकर की पहले पहले ऊंची स्टेज बनती है और बच्चे की नहीं बनती है, कि बनती है बच्चों की नहीं बनती है, तो बच्चे ही गाते हैं। क्या गाते हैं? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, पहले हमारे के हमार हमको भी तो साथ ले चल। तो दूसरा गीत भी गाया, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले रे। तो ये गीत कहाँ के हैं? परमधाम में जो बैठा हुआ था उसके हैं, या परमधाम वासी जो इस सृष्टि पर आ गया मुकर्रर रथ में उसके द्वारा है? हैं? अभी तक क्या समझते थे ब्रह्मा कुमारियों ने? क्या पढ़ाई पढ़ाई क्या समझते थे? हैं? हाँ, शिव ज्योति बिंदु के लिए ये गीत है, लेकिन ज्योति बिंदु के लिए कोई भी गायन पूजन यादगार नहीं है। वो कोई भी गायन पूजन यादगार लेता ही नहीं है, वो परम पद भी नहीं लेता है। जो शास्त्र में गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, वो परम पद भी नहीं लेता है। जब वो आकाशी स्टेज पकड़ लेगा, बैल पे सवार हो जाएगा, उस समय जो ऊंची स्टेज नहीं पकड़ेंगे वो ये गीत गाएंगे क्या? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, किस धरती पर आ जा रहे? क्या सारी दुनिया की सदगति हो जाएगी जब वो आकाश सिंहासन पकड़ लेगा? तुरंत हो जाएगी? हैं? नहीं हो जाएगी। तो जब सारी दुनिया की सदगति ही नहीं हुई है और उसने आकाश सिंहासन पकड़ लिया, तो संघ का रंग लिए बगैर ऊंची स्टेज बनेगी नहीं बनेगी? बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो नैनों का संग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और बाबा पितृ पक्ष में मतलब जो मरे हुए रहते हैं उनको खाना खिलाते हैं, इसका क्या क्रम है? मरे हुओं को खाना खिलाते हैं कि उनकी आत्मा को बुलाते हैं? मरा हुआ तो मुर्दा होता है, वो कैसे खाना खाए? हैं? मुर्दे को खाना खिलाते हैं? नहीं, मतलब को बुला के उनको खाना खिलाते हैं। हाँ, उनको मिलता है। बोलते हैं उनको मिलता है। हाँ, ऐसा है। हाँ, हैं ये बातें कहाँ की? ये सारी बातें कहाँ की हैं? और इनका फाउंडेशन किसने डाला?
ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने डाला, कौन से ब्राह्मणों ने, कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में जो अभी भी खिला रहे हैं, हैं? वही धर्म गुरु हैं जो अभी भी आवाहन करते हैं, आवाहन करके 36 प्रकार के भोग बना के उनको खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं? तुम तो नहीं खिलाते, तुम साकार को खिलाते या आकारी को खिलाते या निराकार को खिलाते है? तो हम किसी को नहीं खिलाते हैं। जो आत्मा के लिए कहते हैं गीता में कहा है कि नैनम छिंदंती शक्रानी नैनम दहती पावक, ये आत्मिक स्टेज के लिए बात है कि ऐसा तो ऑलरेडी सब आत्माएं है, आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा को शस्त्र काटती नहीं, ये बात आत्मिक स्थिति की है कि ज्ञान शस्त्र आत्मा को काटता है तो आत्मिक स्थिति बनेगी? ज्ञान का शस्त्र आत्मा को काटता है या देह अभिमान को काटता है, ये अर्थ है उसका। हद का अर्थ लेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और आपने शास्त्र किया जाता है, तो ऐसे देखो तो स्वापर आदि को होता है, उसका क्या कर समझ लिया क्या? अरे तुम्हारे पास वालों ने नहीं समझा, हाँ बोलो। मुसलमानों ने शास्त्र को बहुत महत्व देते हैं, मुसलमानों ने शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, लोग वैल्यू दादा सेवन और सिक्स सचिव में जो सेकंड नारायण और उसकी प्रजा होगी, जो द्वापर युग में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सात जन्म तो सात उसको प्रसिद्ध नहीं होगा, सात को मानेगा नहीं, मानेगा आठ अपने बाप को मानेगा कि नहीं, हा? उसका बाप कितने जन्म लेता है सचिव, और सिक्स है इब्राहिम जब आता है इसी तन में, तो उसके पीछे पीछे कितने धर्म हैं जो आज के किस स्टेज में आते हैं, अरे अपने बाल बच्चों को भी मानेगा या नहीं मानेगा, कितने हैं है? छह। बाबा अल्प मनुष्य के चित्र में जड़ों में माँ पिता के साथ साथ चार चार दिखाए गए हैं, और सीढ़ी के चित्र में माँ पिता के साथ दो दो दिखाए गए हैं, इसका बेहद में क्या अर्थ है बाबा? दो इधर और दो उधर दिखाई, हाँ जी, चित्र किसका रखा है? देखो ब्रह्मा और सरस्वती दिखाई, ब्रह्मा सरस्वती का चित्र रखा है, और ध्यान से देखो किसका रखा है, हम बता दें मरका दादी का रखा है, विश्व किशोर और बाहू का रखा है, मनमोहिनी दादी का रखा है, दादा का भी रखता है। तो आप ये माता पिता जो बैठे हैं वो किनको समझते सरस्वती की ही बात है, उनके नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, तो उनका 40 वर्ष का संगम युग पूरा हुआ या नहीं हुआ है? कब पूरा हुआ उनका 40 वर्ष का संगम युग?
कब पूरा होता है? राधा कृष्ण की आत्माओं के द्वारा जो शूटिंग होती है संगम युग में, वो कितने साल की होती है? कितने साल तक उनका नाम बाला होता रहता है? बाद में राम सीता आ जाते हैं त्रेता युग की शूटिंग करने के लिए। तो वहां लिखा हुआ है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष के अंदर उन्होंने जो विशेष फाउंडेशन डाला है वो इस्लाम और बौद्ध धर्म का डाला है। एक लेफ्टिस्ट है और एक राइटियस है। और बाबा, अगर कोई आत्मा अपना नाम पता लिखे बगैर बिल्कुल ही गुप्त रीत से यज्ञ सेवा में कुछ देती है तो उसकी क्या शूटिंग होगी? क्या बोझा चढ़ जाएगा? अच्छा, इसका मतलब वो आत्मा ये चाहती है कि हम पोता मेल भी गुप्त रूप से दे दें। चाहती है कि नहीं है? बोलो। अरे, इस स्थूल चीजों के लिए जो इतना गुप्त रखना चाहता है कि बाप को भी ना पड़े पता, साकार बाप को भी पता ना पड़े, तो वो अपना पोता मिल देना चाहेगी साकार को? है तो देगी नहीं। अरे, ये चीजें तो चुट्टियां चुट्टियां छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ज्यादा बड़ा महत्व नहीं है। बड़ा ज्यादा महत्व तो है अंदर की सफाई का। इन चीजों को तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास है ही क्या? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? ये तो कणा दाना है और तुम लिख करके देंगे नहीं तो बाप के पास कैसे पहुंचेगा कि किसने क्या क्या दिया? पहुंचेगा? अरे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जब बाप को पता ही नहीं पड़ेगा तो तुम्हें उजूरा मिलेगा? और बीच में कोई खा गया तो जिम्मेवार कौन होगा? है, वो खुद ही जिम्मेवार हो जाएगा। और नीचे नीचे गीता फंड गीता पाठशाला में युगल सर्विस कर रहे और क्लास रेगुलर नहीं कर सकते, पर बाद में कभी भी मुरली सुनकर साइन कर सकते रजिस्टर में? बाद में मुरली सुनकर रजिस्टर में साइन कर सकते? उनकी गीता पाठशाला बंद करवा दो। नहीं, सर्विस करते वो। उन्हें सर्विस करो, सर्विस डागली सर्विस करते या गॉडली सर्विस? गॉडली सर्विस छोड़ करके माता है साथ में। माता भी सर्विस करती है, आप तो बता रहे। माता नहीं, भाई करते। भाई को करने दो, भाई तो दुर्योधन दुशासन। नहीं नहीं, फिर कभी भी मुरली सुन के साइन कर सकते रजिस्टर में वो? नहीं, जब क्लास करें तो साइन करें। हर बात में डुप्लीकेसी थोड़ा ही चलानी है। मेरा घर और ब्रह्मा का घर बहुत भारी अंतर है। बाबा का घर फरुखाबाद है, ब्रह्मा का घर क्या बाबू कहेंगे? ब्रह्मा का घर है पियर घर। तुम ब्राह्मणों ने कहाँ से जन्म लिया है? किसके बच्चे बने? ब्रह्मा के बच्चे बने तो ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण हुए ना, फिर ब्राह्मणों को बैठ करके मैं शिक्षा देता हूँ। मैं शूद्रों को नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा शूद्र नहीं बनते ब्राह्मण, वो तो अनेक कुरियों के बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा। तो अंतर है या नहीं दोनों घरों में? दोनों घरों में अंतर है। ब्रह्मा का घर है पियर घर है, और बाप का घर है ससुर घर है। तुम सब सजनिया हो,
तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा जो 108 की माला बताई है वो किस आधार पे बनी है? संगत युग में जो 108 आत्माएं निकली है वो किस आधार पे? एक रुद्र माला का मंडका और एक विजय माला का मंडका। तो बाबा ने बोला है मुरली में कि रुद्र माला का मंडका विजय माला में ऐड होता जाएगा तो उन दोनों के संस्कार एक हो जाएंगे। तो संगम युग में संस्कार एक हो जाएंगे तो उसका आधार क्या है? बाप को दोनों पहचानेंगे? उसका आधार है माया एक एक की गर्दन को मरोड़ेगी, मार देगी। जो बचेगा सो अव्वल नंबर, और बाकी फिर जिस नंबर पर आते जाएंगे वो ही माला का नंबर बन जाएगा। तो अभी पहले कौन आएंगे, रुद्र माला वाले आएंगे या विजय माला वाले आएंगे? है? नहीं नहीं, विजय माला में पहले कौन आएंगे? जिनमें पवित्रता है। जिनमें पवित्रता है विजय माला में ऐड होंगे। कौन? रुद्र माला के मणके। जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो कौन हुए पापात्मा? जिन्होंने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े आदमी बन करके। अब सवाल ये उठता है अभी कि विजय माला ने बाप को पहचाना नहीं है और रुद्र माला बाप को पहचान भी है। विजय माला जो आत्माएं हैं वो ब्रह्मा की बच्चियां हैं या शिव की बच्चियां हैं? हैं? ब्रह्मा की बच्चियां हैं। और ब्रह्मा जब पहचानेगा तो बच्चियों को पहचान देने से परे रखेगा? हैं? जब ब्रह्मा पहचानता है तो बच्चियों को भी पहचान देता है। जैसे बाप का विरुद्ध है बच्चों के बगैर नहीं जावेगा, ऐसे ही ब्रह्मा का भी विरुद्ध है अपनी बच्चियों के बगैर वापस नहीं जा सकता। हाँ बोलो। तो बाबा ऐसी जोड़ी बन रही है कि जो रुद्र माला भी है और विजय माला भी है और है? दोनों के संस्कार एक हो रहे हैं, ऐसी जोड़ी बन रही है। हाँ तो इस संगम युग में दोनों के संस्कार एक कब होंगे? कब? जब मिलेंगे, मन बुद्धि से एक हो जाएंगे। कि लंदन में एक बैठा हो और दूसरा इंडिया में बैठा हो और एक संकल्प करे और दूसरा कैच कर ले, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, जानते ही नहीं होंगे तो फिर स्वयंवर कैसे कहा जाएगा? बहुत चिंतन चलता, कुमार हो गया। और जो 16 तारीख को माउंट आबू में गॉडलीवुड स्टूडियो का ओपनिंग है, गॉडलीवुड स्टूडियो का ओपनिंग है। गुड़, ये क्या होता है? गॉडली ओड। अच्छा 16 तारीख को ओपनिंग है माउंट आबू में, उसके बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि डॉगली नीचे गिर गया होगा, पाताल में गया होगा तो सोचा कि ये पाताल में जा रहा है तो गॉडली ओड बना दो। बाबा को साकार में तो बाबा यहाँ है। हाँ तो बाबा को क्या कहना है उनके बारे में? क्यों के बारे में? भक्ति मार्ग में बेचारे बात भी नहीं कर सकते।
है और कोई तो पूछा है, एक बार में बड़ा पॉइंट याद नहीं रहता है तो उसको दो या तीन बार में सुना सकते हैं क्या? सुना दो। है शिवलिंग में बिजली गिरा दिखाते हैं। इस पुरानी मुरली में बाबा ने बताया कि वो जो हीरा है वो भी पत्थर है। हाँ, तो शिव को तो पत्थर भी कहा जाएगा, उसकी रोशनी को क्या कहा जाएगा? रोशनी चैतन्य रूप में है तो वो पत्थर में वो रोशनी चैतन्य ही प्रवेश करती है। शिव, शिव क्या है? शिव क्या है? ज्ञान है, रोशनी है। तो जो हीरा हो गया हाँ, वो साकार स्वरूप हो गया और उसकी जो रोशनी है वो शिव हो गया। पत्थर है हीरा जो है वो पत्थर बुद्धि आत्मा है और जो उस पे घेरा बना हुआ है लिंग है वो उसका शरीर है। और इसका मतलब बाबा जो साकार शरीरधारी है उसकी आत्मा का यादगार हीरा है। जो साकार शरीरधारी है वो संगम युग में हीरे समान हीरे का लिंग बनाते हैं, सतयुग में स्वर्ण लिंग सतयुग की यादगार, त्रेता में रजत लिंग त्रेता की यादगार और द्वापर में कापर और कलयुग में पत्थर या लोहा। वो जो हीरा है वो हीरा उस आत्मा का प्रतीक है। हीरा आत्मा का प्रतीक है जिस आत्मा में परमात्मा प्रवेश करता है। गीता का भगवान शिव कहते हैं तो हा? अगर गीता का भगवान शिव कहते हैं ना विके वाले हाँ, तो हम ये कहें कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है हाँ, तो शिव शंकर शंकर क्यों साथ में कराया? अगर शंकर में तीन आत्माएं हैं तो हम शिव बाबा कहें ना, गीता का भगवान शिव बाबा है। तीन आत्माएं जब तक वो संपन्न नहीं है तब तक तीन आत्माएं हैं, यह संपन्न है तब तीन कहेंगे। संपन्न है तो शिव बाबा कहेंगे, संपन्न है तो शिव बाबा हो गया। हम ये क्यों कहेंगे गीता का भगवान शिव शंकर शिव बाबा कहेंगे? शंकर है मूर्तिमान है मूर्ति वाला है या अमूर्त है? सदैव मूर्ति होते हुए भी अमूर्त हो जाता है, इसलिए गीता का भगवान गीता माता का पति गीता पति भगवान ये संबंध पति और पत्नी का साकार में ही बन सकता है या निराकार में भी बनता है। निराकार में कौन सा संबंध बनता है? है नहीं भाई भाई का तो आपस में बच्चों का, यहाँ बाप की बात हो रही, बाप और बच्चों का संबंध होता है तो वो बाप है वो बच्चा है, ये एक ही संबंध निराकार में बनता है। बाकी दुनिया के जितने भी संबंध हैं जो संगम युग में हम शूट कर सकते हैं वो साकार के साथ होंगे या सिर्फ निराकार के साथ होंगे? साकार के साथ होंगे जी ना, वहाँ उसमें तो ब्रह्मा की भी सोल आ गई। ब्रह्मा की सोल संपन्न नहीं बनती है, वो शंकर गए संपन्न नहीं बनती है, बनती है लेकिन अपना शरीर नहीं है, इसलिए संगम युग में वो बात नहीं हो सकती, वो सत्युग में जाके जन्म लेगा। और क्या पिता ब्रह्मा और दोनों को ना भी जानी, क्या पिता ब्रह्मा अभी भी होनी चाहिए, क्या पिता ब्रह्मा दोनों, क्या पिता ब्रह्मा का कार्य करेगा?
आप वो वाक्य सुनाइए और तारीख सुनाइए, आपने कुछ गड़बड़ की है। देखो प्रजा पिता ब्रह्मा और दोनों को नामी ग्रामी है, उससे पहले का वाक्य क्या है वो देखो। मुरली खंड का पॉइंट, मुरली में तो वकील जब जज के सामने पेश करेगा तो एक एक दो दो वाक्य करेगा या पूरी किताब उठा के छाप देगा। हाँ हाँ, दो बार प्रजापिता एक साथ नहीं आया है। ला मुरली का खंड दो लाके, कौन से पेज में है? तुरंत दान महाकल्याण करें। कौन से पेज की बात है? बोलो। अरे पेज बताओ। 41 और 41 ही निकल आया खोलने से। हाँ, कौन से नंबर का वाक्य है? तीसरा नंबर का, दूसरा नंबर। नहीं नहीं, नंबर कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर का। अरे वो तो हेडिंग है, ये मुरली का वाक्य नहीं है। हाँ, उसके नीचे वाला पॉइंट, तारीख क्या है? 19-3-68। हाँ, 19-3-68 तीसरे पेज पर इसमें लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा वो दोनों तो नामी ग्रामी है, माना प्रजापिता पिता और ब्रह्मा माने अम्मा, वो दोनों नामी ग्रामी है। हाँ जी, और फिर जो प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है वो भी ब्रह्मा है, ऐसे नहीं वो ब्रह्मा नहीं है, परंतु उस ब्रह्मा का सर काट दिया जाता है। हाँ, वो अभी अभी संगम युग में तुमको मिलता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आदि में जो बोला है वो दो अलग अलग कर दिया, प्रजापिता अलग और ब्रह्मा अलग। जगत माता जगत पिता। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा वो दोनों तो नामी ग्रामी है इस सृष्टि में, वो जगत पिता है और वो जगत माता है, इसलिए। और ये जो प्रजापिता ब्रह्मा वो अभी तुमको मिला है। हाँ जी, और शिवलिंग में जो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, शिवलिंग में तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है और बीच में आंख है या हीरा है, वो तीन लाइन किसका सिंबल है? हाँ, तीन मूर्तियों की है, यादगार है। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो महेश का तो लिंग है ना शंकर का। क्यों, वो लाइन नहीं है, वो त्रिमूर्ति का रास्ता नहीं है। जब नाम ही है त्रिमूर्ति रोड, तो एक रोड होगी या टिवाटा मिला होगा। त्रिमूर्ति हाउस तो तीन मूर्तियों की यादगार है ना। गुल पवित्रता के बगैर कैसे उठाएंगे, इम्प्योर हो, दुर्योधन दुशासन हो, ज्ञान को उठाएगी प्रैक्टिकल जीवन में? अगर उठाएगी भी तो उल्टा उठाएगी या सीधा उठाएगी, है कैसा उठाएगी? अरे तिकड़म तिकड़म भिड़ाएगी या सीधा सीधा उठाएगी? तिकड़म भिड़ाएगी। हैं?
जब तक रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड न किए जाए तब तक कोई पद नहीं पा सकते सतयुग में। और ऐड तभी किए जाएंगे जबकि उनके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी भी उनको कोई भी सेंटर पर कोई कुर्सी पर बैठा दो तो वो अपनी मनमत चलाते हैं या बाबा की श्रीमत के अनुकूल चलते हैं, जरूर मनमत चलाएंगे। ब्रह्मा कुमारियों को अपने ऊपर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो ब्रह्मा कुमारियां उनकी घरवालियां हैं। तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? ऐसे पाप करते करते नीचे की योनि में गिरते चले जाते हैं। नीचे की योनि कौन कौन सी होती है? हैं? अरे सूर्यवंश से नीचे की योनि कौन? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी से नीचे की योनि कौन सी? इस्लाम वंशी। क्या अंतर होगा योनि में? अरे कुछ अंतर होगा कि नहीं है? तो इस्लामी होंगे, उनको ज्यादा खुजली होती होगी, वो दो चार बनाए बगैर रहेंगे ही नहीं जिंदा। तो अंतर पड़ गया या नहीं पड़ गया? ऐसे पाप करते करते नीचे की योनि में गिरते जाएंगे, गिरते गिरते अंतिम जन्म में कहां गिरेंगे? हो सकता है आर्य समाज में चले जाएं, हो सकता है नास्तिक भी बन जाएं। इसलिए कहते हैं तप कर राज, राज कर नरका। ईश्वरीय सेवा में ऐसी ऐसी जगह भेजा जाएगा विनाश के टाइम पर, जो मुरली में बोला है सदगुरु निंदक, जो बाबा का ठौर है बनाया हुआ सतयुगी नई दुनिया स्वर्ग, जहां विजयमाला की आत्माएं पहले इकट्ठी होंगी, उस स्वर्ग में उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। माउंट आबू में ठिकाना मिलेगा तपस्या करो जाके, दिल्ली में ठिकाना, परिस्थान में ठिकाना नहीं मिलेगा। तपस्या करें, तपस्या पूरी हो, सर्विस फील्ड में भेजे जाएंगे, जहां धुआंधार विनाश हो रहा होगा। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, मौत सामने दिखाई देगी, अभी पकड़े गए, अभी पकड़े गए। जब सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तपस्या करते करते, सेवा करते करते, धक्के खाते खाते, तब बुद्धि में बैठ जाएगा तो भैया सुधरना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में शंकर जी की आरती में कर्पूर का गोरा बोला गया है, बहन में क्या अर्थ है बाबा? कपूर सुगंध देता है या नहीं देता है? हैं? सुगंध देता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर माने जो सुगंधित भी है, और सुगंध देने के साथ साथ गोरा भी है। कपूर का रंग कैसा होता है? गोरा होता है, लेकिन उसमें धुआं निकलता है, है? निकलता है, धुआं नहीं निकलता है। आपकी लते निकलती है। हाँ जी। और इसको बोला है कि जिससे भी संकल्प करो बुरे ही होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें अच्छा विचार नहीं आएगा आखिरी में, है? आखिरी में ऐसी स्थिति आएगी, तुम कितने भी अच्छे संकल्प करो बुरे ही होते जाएंगे।
हाँ, प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पर एक उसमें बाबा ने एक ऐड शब्द किया कि रावण राम ही रावण बनता है और कुछ नहीं कंस बनता है, तो इन दोनों की स्टेज आखिरी में इतनी गिरी क्यों हो जाती है? क्यों, बड़े से बड़े बाप के बच्चे नहीं है? नहीं होते हैं पर... तो जो बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं या कम ताकतवर हैं? हैं? उनकी सारी ताकत लास्ट में जाके खत्म होगी या बीच के जन्मों में खत्म हो जाएगी? लास्ट में जाके खत्म होगी। फिर बाबा पुरुषार्थ वो उठेंगे कब जल्दी? बाप का काम क्या है? बाप पूरे 84 के चक्र को जानता है या अंतिम जन्म को देखता है? बाप किसको देखता है? बाप तुम बच्चों के सात्विक रूप को देखता है या वर्तमान तामसी रूप को देखता है? है? जो सामान्य मनुष्य आत्माएं होती हैं, वो वर्तमान में कोई गुस्सा करता है तो 24 घंटे याद रखते हैं, बड़ा तमो प्रधान बहुत खराब है, इसको मैं देख लूंगा। और बाप ऐसा करते हैं नहीं? तो बाप ने तो रामकृष्ण के पूर्व जन्मों को देखा है, वो लास्ट जन्म के उस सेकंड को नहीं देखता जिसमें वो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं। ब्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। बाबा भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा तंग कर दिया तो विनाश कर दूंगा। क्या हुआ, झूठ बोल देते हैं क्या? है? झूठ बोलते हैं क्या? फिर कपकपी आती है क्या? पुरुषार्थ करेंगे अच्छा तो छूटेंगे। चक्करबाजी छोड़ दो। क्यों मनाते हैं? गुरु कौन है? जो पहले जन्म जन्मांतर अधूरा गुरु था, फिर लास्ट में जाके पूर्ण गुरु बन गया। जैसे भगवान सदगुरु है ऐसे वो भी पूर्ण गुरु बन जाता है। और जो पूर्णिमा है वो सूर्य के लिए लागू होती है या चंद्रमा के लिए लागू होती है? तो कौन से गुरु की बात है? ज्ञान सूर्य की बात है या ज्ञान चंद्रमा की बात है? कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। जो ब्रह्मा बाबा है जब संपूर्ण बनता है तो उसकी यादगार बनती है जाकर गुरु पूर्णिमा। सारी दुनिया की गुरु बन जाती है, माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। बाबा, बाबा ने मुरली में बोला है यहाँ राजा ही पाओगे तो वहाँ कट हो जाएगी, यहाँ राजा ही करोगे। हाँ, कट हो जाएगी। हाँ, ये बोला है। हाँ, और कुछ है? हाँ, यहाँ तो प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, ये लोग तो बहुत सदियों से ब्रह्मा बाबा के पास गद्दी भी मिलती है ना? गद्दी मिलने की बात नहीं है, गद्दी पे बैठने से राजाई नहीं हो जाती है। राजाई हो जाती है दूसरों के ऊपर जोर जबरदस्ती हुकुम चलाने से। यहाँ अगर राजाई कर लेंगे, दूसरों को हुकुम में चला लेंगे, तो वहां 63 जन्म दूसरों के हुकुम में चलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? यहाँ ब्राह्मणों को राजाई करना चाहिए या प्यार से चलना चाहिए, रिक्वेस्ट से चलना चाहिए? है? प्यार से काम लेना चाहिए, रिक्वेस्ट करके काम लेना चाहिए। भले अपना असिस्टेंट भी है निमित्त रूप में तो भी रिक्वेस्ट से काम लेना है। अगर ऑर्डर किया
नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऊपर शिकायत कर देंगे। ये क्या हुआ, ये जबरदस्ती हुई या प्यार हुआ है? कोई करता है अपने लिए करता है, नहीं करता है अपने लिए करता है। हम अपनी राजाई क्यों गवावे? हमें तो बाबा ने बता दिया है। क्या बताया है? अगर यहाँ राजाई चला लेंगे, दूसरों के ऊपर आर्डर चलावेंगे, तो वहां 63 जन्म क्या होगा है? दूसरों के आर्डर पर चलना पड़ेगा। जिनके ऊपर आर्डर चलाया है उनके अंडर दी कंट्रोल दास दासी बनकर रहना पड़ेगा। ज्ञान बहुत गहरा है, ऐसे नहीं यहां 36 प्रकार के भोजन खाएंगे तो हम वहां भी शूटिंग करेंगे, खाएंगे प्रैक्टिकल जीवन में। 5000 वर्ष के ड्रामा में हम भी वहां ऐसा ही खाएंगे, ऐसा ही पहनेंगे। ये है उल्टा ज्ञान। और मुरली में बोला है कि कर्म समय संपर्क संपत्ति सब सेवा में लगाना है, तो उनको हम लोग को ये लाइफ में लाना है कि आप सेवा में आइए, तो उनको ऑर्डर है, लेकिन उनको बोलना तो पड़ेगा ना कि आप सेवा है। उनको ऑर्डर देने की बात नहीं, उनको बताना तो पड़ेगा ना कि आप ये सेवा है। हमारे बताने की जरूरत है क्यों? वो मुरली नहीं सुनते हैं। संबंधियों को वो क्या ज्ञान में चलते हैं? कुछ सेवा हो रही है उनको, कुछ जो अज्ञानी है उनसे लेना बताया है बाबा ने। हम अपने ही ब्राह्मण परिवार के तन बंधन से स्वर्ग स्थापन करते हैं या दूसरों से भीख मांग करके करते हैं? ये तो बिल्कुल रंग रास्ता हो गया। जो ज्ञान में ही नहीं चलते हैं, जिन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना है, उनसे एक भी पैसा नहीं लेना है, उनसे कोई सहयोग नहीं लेना है। वाह भैया, कहते हैं दूसरे के कंधे वो रखकर बंदूक चला दो, पैसा दूसरा खर्च करे, तन दूसरा लगाए, धन दूसरा लगाए, हम अपनी बैंक में रखे रहे और उनसे कहे तुम लगाओ तो स्वर्ग में जाओगे, 7000 दोगे तो सतयुग में जाओगे, 13000 दोगे तो त्रेता में जाओगे। अब ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान छोड़ दो। ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत होगा वो कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, और अभी तो पांडवों का नेतृत्व जो है एक ही आत्मा कर रही है। पांडवों का नेतृत्व एक ही आत्मा कर रही है। क्यों? पांचों पांडवों का जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग मिनी बधोनों में अलग अलग संभालने वाले नहीं है क्या? लेकिन कैटेगरी तो अलग अलग है ना अपनी। हाँ, कैटेगरी तो जरूर होगी। तो ऐसा समय जो है कोई भिखारी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा मजबूत किला। भिखारी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, अगर एक आत्मा की ऊपर ये बात लागू होती है तो इससे साबित होता है कि उस एक आत्मा को कोई भिखारी प्रभावित नहीं कर सकेगा। उसका जो मनोबुद्धि रूपी किला है, संकल्पों का जो किला है, जो ईश्वरीय संकल्प अंदर चल रहे हैं, उनको कोई भिखारी मनुष्य भंग नहीं कर सकता। बाबा, गांधारी और धृतराष्ट्र का छात्र के अंतर नौ मृत्यु और धृतराष्ट्र। हाँ, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु कब हुआ? उनका मृत्यु कब हुआ? जंगल में जाके मृत्यु हुआ, कांटों के जंगल में चले गए, फिर मृत्यु हो गई, आग लगी और खेल खलास हो गया। अरे जिन्होंने पाप किए होंगे
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा ही नहीं तो आग की दुनिया में मृत्यु होगी या फूलों की दुनिया में मृत्यु होगी। मूढ़ा जन्मने जन्मने ऐसी मूढ़ात्माएं दहकती हुई नरक की आग में ही जन्म लेती रहेंगी जो द्वापर युग से प्रज्वलित होती है। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग ऐसी आग की दुनिया में जन्म लेंगी। तो दिखाया गया है कि कांटों के जंगल में आग लगी और क्या हुए, फिर खलास हो गए। बाबा ये औरंगजेब भी ऐसा राजा है, राजा था जिसने लंबे समय तक राजा किए और मृत्यु भी सहज अपने घर में हुई। एक औरंगजेब भी राजा ऐसा था जिसने लंबे समय तक राजा किए। क्यों अकबर ने नहीं किए? और उनकी मृत्यु अकबर तो बचपन से ही राजा बन गया, औरंगजेब तो फिर भी बड़ा होके राजा बना। इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया, इतना बुद्धि की तीक्ष्णता हो गई कि अपने बाप को उठा के जब जेल में डाला तब राजाई मिली। तो उसने लंबे समय तक कहां राजाई की होगी। और बाबा भक्ति मार्ग में श्रीपाद वल्लभ बोला गया, इसका बहन में क्या अर्थ है बाबा? भक्ति मार्ग में श्री दत्तात्रेय को श्रीपाद वल्लभ बोला गया है, तो इसका बहन में क्या अर्थ है बाबा? दत्तात्रेय है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। एक से पैदाइश नहीं है, तीन से पैदाइश है। सब ऐसी पैदाइश हुई थी, कुत्तों को पालता था। किसको पालता था? कुत्तों को पालता था। तो क्रिश्चियंस को फॉलो करता था या हिंदुओं को? हैं? क्रिश्चियंस कुत्ते पालते हैं कि नहीं? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती कि नहीं? कुत्तों को पालता था। क्यों बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे बुरा लग रहा हो तो छोड़ दे। हैं? दत्तात्रेय माने दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। कौन तीन? कब हुए वो ब्रह्मा विष्णु महेश और कौन से थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके द्वारा दत्तात्रेय को जन्म मिला, जिन्होंने कुत्तों की पालना की? कब की बात है? यज्ञ में कभी शूटिंग हुई कि नहीं? हैं? कब हुई? किसने जन्म दिया? अरे हाँ, दो माताएं और एक बाप। जो आज में तीन थे, जो मुरली में बोला है मैं अकेला नहीं आता हूँ, तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, तो यज्ञ के आदि में जो तीन मूर्तियां थी उन तीन के द्वारा उसका जन्म हुआ। किसका है? दादा लेखराज ब्रह्मा का। वो दादा लेखराज ब्रह्मा दत्तात्रेय का पार्टधारी हुआ। उसका नाम क्या बताया? श्रीपाद बल्लभ। श्री कौन? श्री कौन? श्री माना क्या? लक्ष्मी। श्री माना लक्ष्मी। पाद माना पांव। कौन से पांव? मुरली या कहो या श्रीमत कहो, श्रीमत रूपी पांव, बुद्ध रूपी पांव। किसके बुद्ध रूपी पांव? श्री माना लक्ष्मी के बुद्ध रूपी पांव। और उनका बल्लभ, बल्लभ माने पति। ऐसे भी
कृष्ण तो गीता का भगवान बन के बैठ ही जाता है। क्या बन के बैठ जाता है? अम्मा का पति बन करके बैठ जाता है। तो ये जो देवता का नाम लिया, ये कैसा देवता है? काम के आधार पर नाम पड़ा है। क्या काम किया? श्री माने लक्ष्मी, उसके बुद्ध रूपी पांव, उनके बुद्ध रूपी पांव का भी बल्लभ बन के बैठ गया। जैसे बाबा कहते हैं कृष्ण गीता का क्या बन के बैठ गया? भगवान बन के बैठ गया। जुल्म हो गया जब पहला ही पत्ता ऐसा धंधा करता है। तो आज घर घर में माताएं जो बिचारी बूढ़ी हो जाती हैं, खुदा न खास्ता पति शरीर छोड़ देता है, तो कौन उनको कंट्रोल करता है? है घर घर में वो बच्चा ही कृष्ण को फॉलो कर रहा है, माताओं का पति बनकर के बैठता है, एक पैसा नहीं देता, उसके अनुसार न चले तो माता को घर में से भी बाहर निकाल देता है, धक्का मार के निकाल देता है। ओम शांति। अरे अब तो ओम शांति हो गई ना। अब अगली बार